Assalamualaikum. I am Ali from White Horse Academy. Today we will discuss about the adjective and how many types of adjective. Okay, let's start. First of all, adjective is always qualified noun or pronoun. Adjective जब भी qualify करेगा noun or pronoun को करेगा, means quality show करेगा, किसी quality show करेगा noun or pronoun की करेगा. अब noun क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम. Noun की several types होती हैं. और फिलहाल adjective discuss करने उसके बाद noun की type भी discuss कर दूँगा. और नाउन वो होता है जो नाउन की रिप्लेसिंग करता है, नाउन की जगह पर आता है. तो देर आर एट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है. एट टाइप एडजेक्टिव की हैं, वो सारे के सारे आज डिटेल में आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप वन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको हम क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी शो करता है. समवन इज ब्यूटीफुल, ठीक है, किस कोई लड़की ब्यूटीफुल है, कोई लड़का हैंडसम है, कोई बंदा नाइस है, कोई बंदा गुड है. किसी भी चीज की क्वालिटी जो शो करता है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव करता है. ये एक एडजेक्टिव टाइप है जो आर टाइप में से एक है. क्लियर है? अगर बंदा गॉर्जियस है या फैबुलस है, कोई भी ऑसम है, वो किसी की भी इसको क्या कहते हैं, नेचुरल उसकी गुडनेस को शो करता है. क्लियर है? आगे आ जाए शेप एडजेक्टिव. सेकंड वन इज शेप एडजेक्टिव. हमारे पास दुनिया में जितने भी शेप्स हैं, तमाम के तमाम एक शेप एडजेक्टिव, जिसमें रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है, ठीक है, और भी सारी जितनी भी शेप्स हैं, सारी की सारी हमारे पास सारी की सारी शेप एडजेक्टिव हैं. उसके बाद आ जाए एज. हमारे पास दुनिया में जितनी भी एजेस हैं वो तमाम की तमाम एज एडजेक्टिव, लाइक ओल्ड है, कोई यंग है, कोई एल्डर है, कोई स्मॉल है, कोई 21 ईयर ओल्ड है, कोई 12 ईयर ओल्ड है, कोई 10 ईयर ओल्ड है, तो सारी की सारी क्या है हमारे पास एज एडजेक्टिव है. तो कोई अगर एमसीक्यू बनकर आता है, ठीक है, वहाँ पर उसने क्या किया था, हाईलाइट किया होता है एज को, तो आप बिना कुछ सोचें एज में क्लिक कर दें कि एडजेक्टिव है. और एक बात खास याद रखना कि जब भी एडजेक्टिव आएगा, चाहे वो टाइप में से आएगा, मगर वो क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन को करेगा, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करेगा. क्लियर? आगे आ जाएं, ये जो हमारा क्लियर हो गया, आ जाएं कलर एडजेक्टिव. दुनिया के जितने भी कलर्स हैं, चाहे वो येलो है, चाहे वो ब्लू है, वाइट है, रेड है, ब्लैक है, ऑरेंज है, कोई भी कलर है हमारे पास, तमाम के तमाम कलर एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वालिटी को शो कर रहे हैं, अपने आप ही क्वालिटी शो कर रहे हैं. देखिए, एक कलर येलो है तो क्वालिटी शो कर रहे हैं, एक रेड है तो क्वालिटी शो कर रहे हैं. अब सेकंड हमारे पास फिफ्थ वन इज मटेरियल एडजेक्टिव. मटेरियल नाउन भी होता है, मगर वो देखा जाता है कि अगर मटेरियल नाउन आपका आ रहा है तो उसकी एक अलग क्वालिटी होती है, मगर मटेरियल हमारे पास एडजेक्टिव भी होता है, जहाँ पर वो क्वालिटी शो कर रहा होता है, अपने आप को खुद को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैं एक एडजेक्टिव हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को एक्सप्लेन कर रहा होता है. आगे आ जाए पर्पस एडजेक्टिव. पर्पस एक रीजन होता है, ठीक है, किसी भी तरह का रीजन. कोई भी रीजन, ठीक है, आप किसी रीजन की वजह से आप स्लीपिंग कर रहे हैं, जल्दी खा रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, कोई भी रीजन देना, वहां पर आप क्वालिटी मतलब शो कर रहे हैं, तो वो आपका एक पर्पस एडजेक्टिव होता है. अब आ जाए ओरिजिन एडजेक्टिव. ओरिजिन एडजेक्टिव जहां भी आएगा, ठीक है, वहां पर नेशनैलिटी की बात करेगा, ठीक है, नेशनैलिटी की बात करेगा. तो कई बार पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से, जापान से, साउथ अमेरिका से, ईस्ट अमेरिका से, वेस्ट अमेरिका से, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक नेशनलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी क्वालिटी को शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये ओरिजिन एडजेक्टिव होते हैं. अब आ जाए लास्ट वन इज एट वन इज हमारे पास साइज एडजेक्टिव. हमारे पास दुनिया में जितने भी साइज हैं, चाहे वो स्मॉल है, लेंगे, ठीक है, हाई है, लेंथ है, तो सारे के सारे हमारे पास जितने भी साइज हैं वो तकरीबन सारे के सारे एडजेक्टिव हैं. ओके, आज के लिए इतना काफ़ी. अल्लाह हाफ़िज़.